अब कहना क्या है, आंख से आप देख रहे हैं इतनी परेशानी कि अगर थोड़ा सा भी बारिश हो जा रहा है तो हम लोग घर अपने कैसे जाएं, पैदल जाने के लिए। गाड़ी तो छोड़िए ना, गाड़ी तो उधर खड़ा हो जा रही है हम लोगों की। अभी 2 दिन पहले एक शर्मा परिवार के यहाँ पर तिलक आया था लड़के का, और इस रास्ते की वजह से, उस बंदे से जो अप्रोच है, उस अप्रोच से गाड़ी नीचे नहीं आ पाई और वो लोग वापस लौट गए। सरकारी योजनाओं का कैसे संबंधित विभाग पलीता लगाता है, ये आपको आज हम दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश बलिया जिले का एक ऐसा गांव है जहां का ये महत्वपूर्ण सड़क आप देख सकते हैं, इसे अगर मलाईदार सड़क कहें तो कोई कम नहीं होगा। ये सड़क आज लगभग 40,000 आबादी के लिए समस्या का बड़ा कारण बना है। यहाँ आपको बताते चले कि बरसात के मौसम में मरीजों को खाटी पर लाद करके और अस्पताल भेजवाया जाता है। अभी वर्तमान में कुछ दिनों पहले आए बराती इस सड़क की वजह से वापस लौटकर चल गए। साहब, इस सड़क का कहानी जितना बताएं उतना कम है। कितना महत्वपूर्ण सड़क है, कितने सालों से दुर्दशा है, कितनी समस्या होती है, आज इन्हीं सब को लेकर के हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? आनंद विजय पांडे। ये हम लोग के यहाँ 11 साल हो गया, 11 सालों से ये समस्या हम लोग का बना हुआ है। और हम लोग ये भी नहीं कि चुप बैठे हैं, हम लोग शासन प्रशासन और सक्षम अधिकारी जितने हैं सबको ये सूचित कराए हुए हैं। हम लोग को संतावना देकर और हम लोग को मुंह बंद करा दिया जाता है। क्या नाम पड़ी रहू? सुनिए। अच्छा, कितना परेशानी होला? खूब होला बेचारा, खूब होला। ना मोरी हमन के आगे ना के निकासी पानी ओने से निकासी नहीं के, कलो के पानी हमन के निकासी नहीं के, घर में रख जाए। तो कितना परेशानी होला सड़क से, चले में कितना दिक्कत? बहुत दिक्कत बा, जाए में पाक बा कीच बा कुल्ही दिक्कत बा। आदमी जाए तब बलिए बाजार लाइक फेंका होता तब पैदल जाए। तो गिर तो रथ हुई का आदमी? हाँ, गिर जाता, बिछला जाता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संतोष चौधरी है। और पुल जो बना है तो हमको बहुत गांव में खुशी हुआ कि हमारे गांव में पुल बन गया, मगर रास्ता इतना खराब हो गया है कि हम किसी को अगर तबीयत खराब हो गई बरसात के सीजन में तो हम बलिया तक नहीं पहुंच पाते हैं। हम रास्ते में हमारे माता बहन और दम तोड़ देती है। और यहाँ आज तक हम 10-11 साल से अधिक ही हो गया होगा, यहाँ किसी तरह का हम लोग का रोड का विकास नहीं हुआ है। तो देख रहे हैं एक बाइक लेकर के और इस सड़क पर आए हैं, इनसे जानेंगे हकीकत में ये बाइक चला कर आ रहे हैं कितने समस्याओं का सामना करना पड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार यादव है। अच्छा, कितना महत्वपूर्ण सड़क है, कितने गाँव को जोड़ती है ये? हम लोगों के पूरे गाँव की निकलने के लिए यही एक सड़क है जो विगत बहुत दिनों से ऐसा ही इसका हालत है। कितना समस्या हुआ आ रहे हैं अब देख ही सकते हैं कि कितना समस्या हो रहा है। बार बार हम लोग गिर जा रहे हैं इसी रास्ते से, और यही एक मार्ग है हम लोगों का आने जाने के लिए। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी, मैं राधेश्याम यादव, शिवपुर दियर नंबर ही। लगभग ये 40,000 आबादी की मुख्य एक मात्र सड़क है जो बलिया का जो अप्रोच बना हुआ जनेश्वर मिश्रा सेतु, उस सड़क अप्रोच से लिंक है। और आप देख सकते हैं जब भी 2013 से लेकर के आज तक जितने भी प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि आए और सक्षम अधिकारी को अवगत कराया गया, लेकिन आज तक किसी को इस पर ध्यान नहीं आया। अभी 2 दिन पहले एक शर्मा परिवार के यहाँ पर तिलक आया था लड़के का, और इस रास्ते की वजह से, उस बंदे से जो अप्रोच है, उस अप्रोच से गाड़ी नीचे नहीं आ पाई और वो लोग वापस लौट गए। क्या शादी हुई? नहीं, शादी नहीं हुई। ये सुन सकते हैं आप, ये बड़ी सूचना है कि 2 दिन पहले एक शर्मा परिवार के घर बारात आया था, इस सड़क के माध्यम से बारात वापस लौट गया और यहाँ तक कि शादी भी कट गई। ये बड़ी मुसीबत वाली सड़क है जिसे मलाईदार सड़क के नाम से जाना जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंभुनाथ तिवारी है। तिवारी जी, क्या कहेंगे रोड को लेकर? आप कहना क्या है, आंख से आप देख रहे हैं इतनी परेशानी कि अगर थोड़ा सा भी बारिश हो जा रहा है
तो हम लोग घर अपने कैसे जाए, पैदल जाने के लिए गाड़ी तो छोड़िए ना, गाड़ी तो उधर खड़ा हो जा रही है हम लोगों की। ठीक है, क्या नाम है आपका? जी तरुण कुमार सिंह। तरुण जी, क्या कहेंगे सड़क को लेकर, कितनी परेशानी हो रही है, कितने वर्षों से ये समस्या बना? 12-13 साल से लोग मतलब परेशानी हो रही है। गाड़ी हम लोग बाइक वहीं पे खड़ा कर देते हैं पुल के पास पार करके, और वहां से फिर हम लोग पैदल चले जाते हैं घर। बरसात के मौसम में क्या हालात होती है? हालात यही होती है कि पैंट पहनते हैं तो उसको खोल लेते हैं, अंडरवियर पहन के आते हैं क्योंकि पैंट खराब हो जाएगा बलिया जाना है। पैदल आते हैं तब बाइक और गाड़ी का तो छोड़ दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि अपने काम को लेकर के अगर इस गांव के लोगों को शहर में जाना होता है तो उन्हें 2 बार कपड़ा बदलना पड़ता है। साहब, ये बलिया का महत्वपूर्ण गांव है जहां लगभग ऐसा माना जा रहा है कि 40,000 आबादी इस रोड से जुड़ी है जिसे मलाईदार सड़क कह रहे हैं। लोकल एटीन के लिए बलिया से सनंदन उपाध्याय की रिपोर्ट।